नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुसर रफराना। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जनपद हापुड़ पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी है जब एसओजी व कोतवाली पुलिस संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं पुलिस ने दिन की निशानदेही पर पुलिस ने भारी मात्रा में वाहन बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक हापुड़ ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा कर 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर बदमाशों के पास से 7 कार, 4 मोटरसाइकिल सहित 2 तमंचे कारतूस आदि बरामद किए हैं। कोतवाली पुलिस ने वाहन चोर पकड़े हैं, क्या क्या इनसे बरामद हुई है और क्या आपराधिक इतिहास है? देखिए, एसओजी की टीम और कोतवाली पुलिस की जॉइंट डबल्स में हम लोगों ने एक अच्छा गैंग पकड़ा है जो वाहन चोरी करता है, वाहन की चोरी करके उनको अलग अलग जगहों पे खपाता है। कुछ लोग इसे कबाड़ी में बेचते हैं, कुछ इसके नंबर प्लेट्स चेंज करके इसको फिर नया करके और पेपर्स बना करके फिर बेचते हैं। ये पूरा गैंग है। इस गैंग में हम लोगों ने अभी 3 लोगों को पकड़ा है, दीपक, सुदेश और दीपांशु, और 2 लोग अभी फरार हैं। इनमें से दीपक सैनी जो लड़का है, इस पर ऑलरेडी 16 मुकदमे हैं, सब इसी तरह के हैं। और बहुत सारे ऐसे घटनाएं भी हैं जो वर्णित नहीं है, इसने घटनाएं और भी कर रखी हैं। इनके पास एक 7 कार, 7 मोटरसाइकिल और बहुत सारे फर्जी नंबर प्लेट्स और 2 तमंचे और 1 लैपटॉप बरामद हुआ है। जो 2 लोग फरार हैं उनसे हम लोग को आशा है कि उनसे हम और भी बरामदगियाँ कर पाएंगे। ये पूरा अच्छा गैंग वर्कआउट हुआ है और इसमें हम और भी तफ्तीश कर रहे हैं। जो भी लोग फरार हैं उनसे हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी बरामदगियाँ हों। तो कोई खास मॉडस ऑपरेंडी इनकी किस तरीके से, कहाँ से चोरी करते थे, क्या क्या करते थे? देखिए, मॉडस ऑपरेंडी चोरों का यही होता है, इनमें अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग लोग ऑपरेट करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति कार चोरी करता है, वही उसे बेचता है, वही उसे कटवाता है, ऐसा नहीं होता है। जो इनका भी मॉडस ऑपरेंडी वही है जो कॉमन चोरों का होता है। बेचने वाले, चोरी उठाने वाले कोई अलग हैं जिनको ये हैंडओवर करते हैं, नंबर प्लेट्स चेंज करने वाले एक अलग पूरी लॉबी है, और उसके बाद जो इसे खपाते हैं वो एक लॉबी पूरी अलग है। तो इसमें जो 3 लड़के हैं वो अलग अलग लेवल्स पे से हम लोगों ने उठाए हुए हैं। जो 2 लोग फरार हैं वो भी कार खपाने वालों में हैं। इनमें से तो कार चोर है जो उठाते हैं कार को और नंबर प्लेट्स चेंज करके उसे अगले नेक्स्ट लेवल पे हैंडओवर कर देते हैं। फिर अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसे या तो सेकंड हैंड में बेचें या फिर उसके कबाड़ी में कटवा देते हैं। अगर कार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो वो लोग उसे कबाड़ी में भी बेच देते हैं। क्योंकि मॉडस ऑपरेंडी जनरली वही है जो आमतौर पर इस तरह के अपराधों में होती है। तो कहाँ कहाँ से इन्होंने गाड़ियाँ चोरी की हैं? कोई बहुत दूर दूर से कार चोरियाँ हैं, बुलंदशहर, यहाँ बगल के जनपद अमरोहा, नोएडा, गाजियाबाद, यहाँ से लेकर मुजफ्फरनगर तक, और खपाने काम ये लोग आजकल मुजफ्फरनगर में कर रहे हैं। थैंक यू।